हमने बहुत गवाया, बहुत लोग ले गए हमसे। उस जमाने में वक्त अलग था, तो हर जनरेशन का टेक्नोलॉजी थोड़ा सा बदल देता है। एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज पार्ट ऑफ क्रिएटिव लिबर्टी। कोई लाइन नहीं है, देयर इज नो लाइन। जब लोग लगाते हैं इग्नोरेंस और डर के मारे, बहुत सारे फिल्म फेस्टिवल्स आ चुके हैं विद टाइम। सी मोस्ट फिल्म फेस्टिवल्स इन द वर्ल्ड आर स्ट्रगलिंग। तो आपको लगता है कि जितने रेड कार्पेट वॉक्स है तमाशा है? लुक, इट्स पार्ट ऑफ द ग्लोरी विदाउट द ग्लैमर। ग्लैमर आल्सो विदाउट ग्लैमर एंड सेलिब्रिटी वो दिलचस्पी नहीं आती है लोगों में। सो यू हैव टू फाइंड द बैलेंस। सेलिब्रिटी हैज डिस्ट्रॉयड सो मच of cinematic culture, yeah, regarding the knowledge of cinema. कोई भी artist 40 साल के काम के बाद artist खिलाया जाता है। मीना कुमारी को लेकर बात हो रही है कि इनकी बायोपिक बनने वाली है। हर चीज में थोड़ी सी तो लिबर्टी होगी। आपने हीरा मंडी देखी, उसमें एक ऋचा चड्ढा का एक रोल है, तो उनको कहा गया कि ये चीज मतलब वो कर रही है रोल फीमेल देवदास का। हकीकत की, हकीकत, हकीकत की, बिल्कुल। कहते हैं जब दुनिया में तनाव बढ़ता है तो एंटरटेनमेंट की भूख और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और आजकल तनाव में हम जनरली क्या करते हैं, इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल करते हैं। लेकिन ये इंस्टा रील्स के पहले अगर थोड़ा सा फ्लैशबैक लें, कई साल पहले एक रील बनी थी। ये रील थी सिनेमा की, जी हाँ वही सिनेमा की, जिसमें कई सारी कहानियाँ दर्ज हुई, कलाकार दर्ज हुए और कला दर्ज हुई। इस सिनेमा को पूरे 100 साल हो चुके हैं, इंडियन सिनेमा को पूरे 100 साल हो चुके हैं। और कैसे हमारी लाइफ बदल गई है विद टाइम, और सोशल मीडिया ने काफ़ी जगह ली है, लेकिन इसके बीच में इस दौरान जो बदलाव हुए उसको किसी ने संजो कर रखा है, वो है नवील तुली। तो हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन डिजिटल, मैं हूँ आपके साथ सुषमा, और आज हमारे साथ है नवील तुली। वेलकम सर, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप? हम बिल्कुल ठीक है। तो सिनेमा, सबको पता है कि सिनेमा आपके लिए क्या है, आप सिनेमा को आपने कैसे सजो कर रखा है, इंडियन सिनेमा को, हेरिटेज को, तो आप, आपके लिए सिनेमा क्या है, मतलब डिफाइन कैसे करते हैं? देखिए, सिनेमा वो क्रिएटिव एंडेवर है जो जो भी देश हो, एक जुनून होता है, एक क्रिएटिव एनर्जी होती है जो हर देश में अलग टेम्परमेंट एनर्जी होती है। इंडिया ऐसा देश है जो सिनेमा ने एंटरटेनमेंट हमें दिया है, आर्ट फॉर्म्स दिया है, बॉक्स ऑफिस को टैकल किया है, सेलिब्रिटी को बनाया है। और अब मेरा मकसद 30 साल से ये है कि सिनेमा एज अ क्रिटिकल एजुकेशनल रिसोर्स, कि जो भी हम फैलाए, जो भी हम स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में टीच करें, जो भी सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री हो, सोशल एंथ्रोपोलॉजी हो, इकोनॉमिक्स हो, कल्चरल स्टडीज़, एशियन स्टडीज़, हमारे लिए इंडिया स्टडीज़, सिनेमा की आवाज़, सिनेमा की एनर्जी, उसकी एस्थेटिक्स, उसकी जो हिस्ट्री है, वो बिल्कुल हर चीज़ में अंदर सिस्टमैटिकली समझाया जाए। और उसको करने के लिए यू हैव टू ब्रिंग द होल हिस्ट्री टुगेदर। इट्स ओवर 110 years, 110 साल हो गए कि हम ओनली 3-4 months आफ्टर जब सिनेमा बना फ्रांस में, लूमियर ब्रदर्स आए इंडिया में, खाली 3 महीने का फर्क था। तो इंडिया स्टार्टेड विद द बर्थ ऑफ सिनेमा, इट्स ओन फिल्म मेकिंग, लेकिन बिकॉज वी वर ब्रिटिश के हुकूमत के नीचे थे, वी डिडंट गेट द सेम अपॉर्चुनिटीज दैट अदर फ्री कंट्रीज गॉट, सो वी स्लो डाउन अ बिट, बट द ब्रिलियंस and the moments of what we are absorbed is still unparalleled, because no other cultural discipline has been forced to take on so many different contradictory responsibilities, whether it's art, whether it's music, whether it's philosophy, whether it's literature, whether it's dance, jo bhi ho, kisi ne itne depth ke saath har cheez, entertainment, art, box office, celebrity, education, एक साथ कनेक्ट नहीं किया। तो दैट इज व्हाई सिनेमा हैज गॉट द एनर्जी ऑफ इंडिया, एंड द एनर्जी ऑफ इंडिया एंड द एनर्जी ऑफ सिनेमा हैव दैट रिदम, दैट लव। ये जो रिदम है, जो आपकी एनर्जी है, सिनेमा की एनर्जी की जिसकी आप बात कर रहे हैं, आप 25 साल लंदन में रहे, वहां से जब वापस आए तो ये आपको कब महसूस हुआ कि अब ऐसा जाना चाहिए और कुछ ऐसा एक स्टार्ट करना चाहिए नहीं सिनेमा को, हेरिटेज को? मेरा मकसद इज नॉट ओनली सिनेमा, माय फोकस
इज अबाउट इंडिया स्टडीज. इंडिया जो बना है अभी 30 साल की जो मेहनत है, वो सोच रहा था कि इंडिया हम कैसे समझे, हमारे लोग जो है, हाउ कैन वी गिव देम अ न्यू वे टू फॉल इन लव विद अंडरस्टैंडिंग इंडिया. और इंडिया में माय कॉन्सेप्ट फॉर इंडिया स्टडीज हैज 16 रिसर्च कैटेगरीज एंड द फर्स्ट रिसर्च कैटेगरी इज सिनेमा एज अ क्रिटिकल एजुकेशनल रिसोर्स. बिकॉज सिनेमा के बिना यू कैनॉट मेक द स्टूडेंट बॉडी फॉल इन लव अगेन. सर आपको लगता है आपने ट्रेवल बहुत किया, जब आप वहाँ से वापस आए लंदन से, आपने पढ़ाई करके वापस जब इंडिया में आए, आपने काफ़ी ट्रेवल किया, फ्रॉम विलेज टू सिटी बहुत ट्रेवल किया, तो आपको लगता है कि सिनेमा को समझने के लिए, इंडियन सिनेमा को समझने के लिए ट्रेवलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल, अलग अलग लोगों से मिलना. देखिए जो बरेली में माहौल है, जो मिनर्वा सिनेमा में माहौल है, जो मेट्रो सिनेमा में माहौल है, इतना अलग है. तो ये देश इतना डाइवर्स एंड डीप है, लेकिन एक चीज कॉमन है. प्लीज अंडरस्टैंड द ग्रेटेस्ट ग्लू स्टिल इन माय व्यू ऑफ इंडिया इज द हिंदी फिल्म सॉन्ग. हिंदी फिल्म सॉन्ग हैज स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम टू यूनाइट अस इमोशनली, कल्चरली, लाइक फ्यू अदर थिंग्स. सो दैट एनर्जी is because of all the hard work. The song has come from the films. Films bhul gaye log. Ek do tasveere hai, ek do images. That's Alamara, pehla film jo talkies mein tha. This is Light of Asia. These were the original prints from the original reel jo France mein thi. So Henry Langlois, who was one of the greatest archivists of cinema, gave it to B.D. Garga, from whom we acquired it. And these are now gone. People have forgotten what Light of Asia was, who Himanshu Rai was, what was the role of the first Indo-German. Who formed first? Bombay Talkies, I think. No, Bombay Talkies baad mein aaya. This was his Indo-German collaboration. Okay. Because wo Germany se cinema seekh rahe the. And Germany was then becoming again a great power. They had lost World War I. Unmein jo junoon tha ki hum fir aage badhe. So India and Germany have a lot in common. And Light of Asia was the first Indo-German co-production in 25. Then came the talkies. Aap Lalita Pawar ko dekhiye, jab jawan thi, in Resurrection. That is Tolstoy's Resurrection. Lalita Pawar jo professor mein baad mein, she became famous for being the mother-in-law, playing all kinds of character roles. Yeah. Santukaram, first film that went to an international film festival. Fearless Nadia, yeah. Galti Ke Laal, the first film of IPTA. IPTA, the Indian People's Theatre Association. They did amazing work. इसमें से कौन सा फ्रेम है जो आपने सबसे पहले रखा, संजोया? नहीं बाबा, हमारे पास लाखों 30 साल में हम भूल गए. क्योंकि हमने थोड़ा सा जो रिसर्च किया उसमें देखा कि आपके पास वो सारी फिल्मों के भी पोस्टर्स हैं जो दुनिया में अभी नहीं है, ओरिजिनल पोस्टर्स. हमने बहुत गवाया, बहुत लोग ले गए हमसे. अच्छा. लेकिन जो भी हुआ, आई नेवर लेट दी आर्काइव गेट ब्रोकन अप. उसको अलग से रखा और 30 साल लगा. और ये अब अक्टूबर में सब दुनिया को दिखाएंगे ऑनलाइन, टोटली फ्री, इन अ सिस्टमैटिक न्यू एजुकेशनल फ्रेमवर्क, सो दैट एवरी स्कूल, एवरी यूनिवर्सिटी, एवरी स्टूडेंट, एवरी पर्सन हैज डायरेक्ट फ्री एक्सेस टू द ग्रेटेस्ट नॉलेज बेस ऑन इंडिया. सो दैट्स टेकन 30 ईयर्स. अब वेदर वी सक्सीड और वेदर वी फेल, टाइम ही बताएगा. लेकिन आप याद देखिए द कपूर्स, पृथ्वीराज कपूर को देखिए. नो कंट्री इन द वर्ल्ड has 5 potential great generations dedicated to cinema. जो कपूर की generation की फिल्मों को देखते हैं, रणबीर कपूर. नो तो आप नहीं, पृथ्वीराज के 3 बेटे थे, राज, शमी और शशि. शशि कपूर. फिर उनके बेटे और बेटियां थी ऋषि, वंदी, करीना, करिश्मा, रणबीर. रणबीर बाद में आया. रणबीर इज ऋषि सन, ऋषि और नीतू सन. तो दैट्स ऑलरेडी 4 generations. Yeah.
अब रणबीर और आलिया का भी जनरेशन आएगा। रणबीर आलिया की कोई फिल्म आपने देखी? हाँ हाँ जरूर देखी। कौन सी? लास्ट वन वॉज जवानी दीवानी वॉज रणबीर एंड खाटी वाला वो आलिया के शी वॉज अ गॉड मदर इन सम गैंगस्टर क्या थी गंगूबाई काठियावाड़। पृथ्वीराज कपूर को से आपने सिनेमा को फॉलो किया है, आपने अभी तक इनकी पूरी जो जनरेशन है पीछे की, तो कितना चेंज हुआ है इनके? देखिए खाली कपड़े चेंज होते हैं, कपड़े चेंज होते हैं, वही लगन वही जुनून वही एनर्जी होती है, लेकिन हर जनरेशन का अलग अलग तरीके होते हैं देखने का सोचने का। ऑब्वियसली ये जो नया जनरेशन है उनका सेंस ऑफ हिस्ट्री इज़ वेरी पुअर, तो वो हिस्ट्री को बदलने के लिए यू हैव टू पुट ग्रेटर एफर्ट, यू हैव टू मेक दम अंडरस्टैंड इन अ वेरी लविंग एंड एनर्जेटिक वे कि हिस्ट्री नेवर डाइज, इट्स इन एवरी मोमेंट, हर पल में आपका इतिहास बैठा हुआ है, आप अपनी जिंदगी से कोई पल नहीं निकाल सकते हो, कुछ भी निकालोगे आप बदल जाओगे। सिमिलरली विद द बर्थ ऑफ अ नेशन, सिमिलरली विद द बर्थ ऑफ अ सिविलाइजेशन, हर पल महत्वपूर्ण होता है। सिविलाइज करने में सोसाइटी को सिनेमा कितना हेल्प करता है? क्यों? देखिए सिनेमा इज बोथ अ रिफ्लेक्शन एंड अ सोर्स ऑफ न्यू आइडियाज, दोनों होता है। सिनेमा एक इस वन पीस ऑफ अ जिग्सॉ, कोई भी सिविलाइजेशन बनती है बहुत से चीज़ें होती है, ग्रेट आर्ट फॉर्म्स, ग्रेट फिलोसफीज, ग्रेट बिजनेस, ग्रेट पॉलिटिक्स, एवरीथिंग हैज़ टू प्ले इट्स रोल। जो भी उम्र हो, जो भी बैकग्राउंड हो, जो भी आपकी शिक्षा हो, कैन दैट वंस एंड फॉर ऑल बिकॉज ऑफ द इंटरनेट, इंटरनेट ये चीज़ है। इंटरनेट से आने से सिनेमा में कितना बदलाव हुआ है, क्योंकि आप इंस्टाग्राम रील्स देखते हैं? आज की जनरेशन मुझे लगता है कि पुराने जो रील्स होते थे सिनेमा के उनसे थोड़ा कम अवेयर है, तो आपको लगता है कि जो सोशल मीडिया के आने के बाद से इंडियन सिनेमा जो भी हिस्ट्री है उस पर लोग थोड़ा सा कम गए हैं? देखिए टेक्नोलॉजी जब भी बदलता है, आप मैं आपको याद रखाता हूँ एक चीज़, ये बंदा हजारों स्टूडेंट्स आते हैं रोज, मैं हर से पूछता हूँ कि ये कौन है, नॉट वन स्टूडेंट, सो फार वी हैड फाइव मेजर universities and colleges, not one student can identify this man, and he was once the most famous man in India. This is K.L. Saigal. K.L. Saigal, yeah. When radio came, when music came, when the talkies came, inki awaaz ne desh ki atma ko awaaz di. Log bhul gaye in less than 80 years. Ye galat cheez hai, because this means we lose our focus, we lose our sense of purpose, we lose, jab tak hum history se seekhe na, hum wohi galtiyan banayenge, alag tareeke ho sakte hain, lekin wohi musibatein, wohi inequality, wohi poverty, wohi lack of education chal raha hai, aur hum seh rahe hain, ye sehne ki baat nahi hai, bahut ho chuka hai, so यहाँ फ्री में दिलीप कुमार की देवदास, आई थिंक देवदास फिल्म के ये बिल्कुल सीन्स। अब देवदास ऐसी फिल्म है जो एक नॉवल से 18 वर्जन्स बने हैं, कोई ऐसी नॉवल नहीं है दुनिया में कि एक ही फिल्म में, आप सोचो क्या थीम है इसकी, कि आदमी इतना पथेटिक है कि वो कैनॉट सर्वाइव व्हेन ही लूजेस हिज लव एंड मस्ट गो टू द बॉटल एंड कमिट सुसाइड। आपने शाहरुख खान वाली देवदास, शाहरुख खान वाली भी याद थी, अच्छा, और देवदी भी याद थी। एक टर्म यूज किया जाता है सुपरस्टार्स एक्टर्स को लेके, जैसे कि दिलीप कुमार थे, अब शाहरुख खान, उनसे पहले सबसे बड़ा सुपरस्टार साइगल, KL साइगल, फिर दिलीप कुमार आए, दिलीप कुमार के बाद अमिताभ बच्चन आए, राजेश खन्ना, राजेश खन्ना, धर्मेंद्र थे, शमी कपूर, शशि कपूर, मनोज कुमार, देवर मेनी सुपरस्टार्स। वो क्या पैरामीटर्स थे जो पहले के जमाने में सुपरस्टार्स का जो डिसाइड करते थे कि ये सुपरस्टार है? क्योंकि आजकल जो भी हमने देखते हैं हम लोग फिल्म जर्नलिज्म में कि जिनकी फॉलोइंग ज़्यादा है सोशल मीडिया पे, जिनको ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं, जिनकी रीच ज़्यादा है ऑडियंस के बीच में, उनको टैग मिलता है सुपरस्टार का। जो आपने बहुत पहले से क्लासिकल, फ्रॉम द क्लासिकल मूवीज़ टू नाउ, आपने इतना देखा है,
तो अब के लिए क्या लगता है, पैरामीटर क्या होता था पहले? देखिए, वक्त वक्त की बात होती है. आज आप नौजवानों को देखते तो उनका दिमाग, उनका कॉन्सेंट्रेशन लेवल, उनके सोचने का तरीका थोड़ी सी जल्दी चलती है. ओके, बिकॉज यू आर नाउ लिविंग इन अ वर्ल्ड ऑफ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, इंस्टेंट कम्युनिकेशन. आई कम टू पकीज़ा इन अ मिनट टू द लास्ट आंसर. उस जमाने में वक्त अलग था, तो हर जनरेशन का टेक्नोलॉजी थोड़ा सा बदल देता है. जब पहली बार रेडियो आया था, इट वॉज एज प्रोफाउंड एज इंटरनेट. टेलीविजन वॉज एज प्रोफाउंड एज इंटरनेट. कुछ ज़्यादा बदला नहीं है. एज आई एम सेइंग, पहले मैंने स्टार्ट किया कि कपड़े बदलते हैं, दिखावा बदलता है, लेकिन एनर्जी वही चल रही है, आर्ट नहीं बदलता. तो आप याद देखिए, आप मीना कुमारी और कमल अमरोही देख लो. पकीज़ा ऐसी चीज़ है, आप अभी भी गाना सुन लो पकीज़ा के, आप सोचते हो कि आप एक माहौल में हो. एट अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम वक्त रुक जाता है, बिकॉज दैट पावर ऑफ द हिंदी फिल्म सॉन्ग इज स्टिल सो पावरफुल. इंडियन सिनेमा में तवायफों की लाइफ पे बहुत सारी फिल्में बनी हैं. देखिए, आप आज का कॉनोटेशन ऑफ तवायफ, पहले टाइम का कॉनोटेशन, जैसे कि अभी ये पाकीज़ा है, अभी रिसेंटली संजय लीला भंसाली की हीरा मंडी आई थी. हीरा मंडी जब आई तो लोगों ने थोड़ा, लोग पहले गए पाकीज़ा को, थोड़ा उन्होंने फ्लैशबैक में जाके देखा. तो आपको क्या लगता है, जो आजकल के सीरीज बन रहे हैं और जो पहले पाकीज़ा हो गए और बहुत सारे देवदास भी बनी है, उसमें भी तवायफों का एक पोर्ट्री है, तो कितना हिस्ट्री जो तवायफ का है, हाँ, वो टाइम से बदलता है. जैसे वो बदलता है, उसकी डिपिक्शन बदलेगी, उसकी एक्सप्रेशन बदलेगी. ईच जेनरेशन हैज टू रीडिपिक्ट, री एक्सप्रेस फॉर देयर जेनरेशन. बिकॉज जैसे मैंने आपको पहले बताया कि द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज वेरी पुअर इन आवर कंट्री. आवर एजुकेशनल सिस्टम हैज टोटली फेल्ड इन गिविंग ग्रेट हिस्टोरिकल डिस्कोर्सेस विद ऑल फॉर्म्स ऑफ नॉलेज अक्रॉस ऑल डिसिप्लिन्स. हिस्ट्री इज नॉट अ डिसिप्लिन इन आइसोलेशन. इफ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री डीपली, यू नीड एट लीस्ट 25 सब्जेक्ट्स हिस्ट्री इंटीग्रेटेड. इट्स लाइक हमारा देश, सबसे आसान चीज मैं आपको बताऊँ कैसे समझो ये आइडिया. आप सोचो अचार बनाते हैं हम. जब आदमी अचार, औरत अचार बनाते हैं, चिली, नींबू, अदरक, गाजर, शलगम एक साथ हम डालते हैं जार में, धूप में छोड़ते हैं, उनके जूसेस निकलते हैं. किसका जूस किसके साथ लग रहा है, किसका टेस्ट बदल रहा है, कौन खट्टा हो रहा है, कौन मीठा हो रहा है, ये सारा प्रोसेस इज लाइक एन एजुकेशनल प्रोसेस. इट्स द वेस्ट कॉल्स इट इंटरडिसिप्लिनरिटी, बट इट्स नॉट. इंडिया अंडरस्टैंड्स इट डीपर. कहते हैं कि जो फिल्म्स होती हैं, मूवीज होती हैं, सिनेमा रिफ्लेक्शन है सोसाइटी का, और सिनेमा सोसाइटी से इंस्पिरेशन लेता है कहानियों के लिए. तो आपको क्या लगता है कि जो वायलेंस दिखाया जाता है सिनेमा में, वो बहुत नॉर्मलाइज किया जाना चाहिए या फिर वो एक पार्ट ऑफ सिनेमेटिक लिबर्टी है? देखिए, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज पार्ट ऑफ क्रिएटिव लिबर्टी. या कोई लाइन नहीं है, देयर इज नो लाइन. जब लोग लगाते हैं इग्नोरेंस और डर के मारे टू कंट्रोल, टू ये अच्छा है ये बुरा, सोसाइटी अपने आप, द ग्रेटेस्ट सोसाइटीज इन द वर्ल्ड, टू बी अ लीडर, आपने लीडर बनना है तो कोई डर नहीं आ सकता है. आपको फिर दूसरा सिस्टम बनाना है. आप सोचिए, आप अमेरिका को देख लो. अब बहुत सी चीजें अमेरिका मैं नहीं सहमत हूँ, लेकिन एक चीज उन्होंने किया जो कोई देश नहीं कर पाया, दैट ग्रेट freedom of expression, freedom of to its people, that entrepreneurial spirit, ki hum kuch bhi kar sakte hain, ja bhi start karte hain, wo hame right hai. Wo jab tak na aaye desh mein, wo azadi, wo pride, confidence, andar ki confidence, kyunki aadmi ko pata chalta hai ki hum kaun hai,
कोई डर नहीं होता है. दे हैव रिस्पेक्ट. दे टू डिफरेंट थिंग्स. टू रिस्पेक्ट समवन एंड टू बी अफ्रेड ऑफ समवन आर नॉट द सेम थिंग्स. ये जो सिस्टम बन रहा है इज नॉट वन बेस्ड ऑन रिस्पेक्ट बिकॉज द पीपल हैव नॉट बीन गिवन द चांस टू बी देमसेल्व्स. सिनेमा में हम देखते हैं कि जहाँ कहीं डिसएग्रीमेंट होता है, लाइक कोई फिल्म बनी उसे एक तबके के ऑडियंस ने पसंद नहीं किया, तो वहाँ पे ट्रेंड आता है सोशल मीडिया पे, बहुत कॉमन हो गया है बॉयकॉट ट्रेंड. तो आपको लगता है कि मतलब ऐसे बॉयकॉट ट्रेंड से क्या डिमेन कर रहे हैं हम सिनेमा को? नहीं, देखिए फ्रीडम होती है हर लेवल पे, बट द क्वेश्चन इज हमारा इकोलॉजी क्या है. व्हाट इज द रोल ऑफ द पुलिस, व्हाट इज द रोल ऑफ द जुडिशरी, व्हाट्स द रोल ऑफ द पॉलिटिक्स. If you take a court case and you want an answer in 1 week and you know ki 2 mahine 2 saal tak jawab nahi aayega, how can you use the law? Then you are not having a system which allows that freedom. So it's a very complex issue. Har cheez mein pyar ki zarurat hoti hai, aur pyar cannot just be bolne ke liye, it has to be institutionalized. And the most important two, there are two great entities which give love to a civilization. One is family and the other is your educational system. Both of them need love constantly. They cannot be caught up in other battles. That love has gone out, because when that love goes out, the joy goes. Aur jab wo joy aur khushi aur hansi, aap hansi ka soch lo, aap ye dekho hansi ki baat. Now, in the 60s, look at Mehmood and I.S. Jol. Mehmood. Look at, ye bataiye mujhe kaun hai? This is R.D. Burman. R.D. Burman. Musician. R.D. Burman. Mehmood and R.D. Burman. Aap socho ki humor is such an important part of India. Padosan yahan pe. Such a, bilkul. Jab tak हम ह्यूमर को फ्रीडम ना दे अंदर बाहर, यू कैनॉट बिल्ड थिंग्स विद ग्रेट एनर्जी. यू कैनॉट कंट्रोल द सिविलाइजेशन लाइक इंडिया. शी इज सो वास्ट इन हर आउटलुक. डू यू थिंक सो ह्यूमर इज मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट फॉर अ आर्टिस्ट, फॉर अ सिनेमा या फिल्म? नो नो, ह्यूमर इज एज नेचुरल as eroticism, as violence, as anything. जितने एक्टर्स होते हैं ना वो कहते हैं कि इंटरव्यूज में बोलते हैं, कई पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोलते हैं कि जो भी सबसे ज़्यादा जो टफ होता है एक्शन इमोशनल सीन्स करने के अलावा वो होता है ह्यूमर. तो ह्यूमर को ऐसे वो लोग प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि माहौल ऐसे बन गया है. ह्यूमर बचपन से होता है. हर बच्चा, आप जब माँ बाप बनते हो आपको पहला महसूस होता है कि हंसी हंसी है बच्चों में, वो ह्यूमर है. दे हैव नॉटी ह्यूमर, ब्लैक ह्यूमर, लविंग ह्यूमर. वो दुनिया धीरे धीरे दबा देती है, और हमारे सिस्टम में ह्यूमर को ऐसा दबाया गया है. फर्स्ट ऑफ ऑल इंटेलेक्चुअली पीपल थिंक विथ सार्कैज़म, सैटायर, ऑल दीज एस्पेक्ट्स आर नॉट नर्चर्ड. Because people have such insecurity about themselves and their perception. Duniya, wo kya bolegi? Kya bolegi? Nonsense. Ye hota hai deep insecurity. अच्छा, ऐसा होता है कि humor के में थोड़ा सा rap करके कोई बात है, कोई message है, social messaging है, कई बार humor के through भी हम पहुँचाते हैं society को. ये बहुत अच्छा तरीका है ऐसा. बिल्कुल. लेकिन we shouldn't do it because we are afraid of tackling other ways. Wow. See, the freedom of the mind is the only thing that will make India truly great again. There's nothing else. Because the mind is free, the heart will be free, idealism will be free, and the mind will go out and implement. Banayenge. You have to build. You know, build in. What kind of film you love? Like, I love every film. I'm action, drama. ऐसे हम सोचते नहीं है. देखिए आप मुगले आजम ले लो, आप पकीजा ले लो, आप फरोसन ले लो, आप गंगा जमुना ले लो, आप आजाद ले लो, देवी. आपको लगता है कि मुगले आजम जैसी फिल्म दोबारा बनेगी? देखिए, अब मुगले आजम आप देख लो,
जब मैं स्टूडेंट से बात करता हूँ, मुगले आजम इज द परफेक्ट एग्जाम्पल टू टेल ईच यंग माइंड कि हम सब में एक मुगले आजम बैठा हुआ है. उसको निकालने के लिए, उसको नर्चर सपोर्ट देने के लिए इज द ड्यूटी ऑफ एवरीवन, बट इज द ड्यूटी ऑफ ईच वन ऑफ अस फर्स्ट कि वी स्टार्ट बिलीविंग कि हम में एक मुगले आजम बैठा हुआ है. Most people don't get the chance to believe that even because the system is so unfair. ये जो inequality बस गई है उसको निकालने के लिए that is the first priority, and cinema can help now in a new way by its educational energy, because that educational energy will bring a new joy. अभी बात होती है जब भी सिनेमा की, इंडियन सिनेमा की, आपने अभी मुझसे ऑन रिकॉर्ड भी हमने बात की, ऑफ रिकॉर्ड सॉरी ऑफ कैमरा भी की बात हमारी यही हुई कि सिनेमा को आप एक बॉलीवुड टॉलीवुड टॉलीवुड ऐसे नहीं देखते हैं, आप ऑल ओवर जोड़ के देखते हैं. इसको कनेक्ट करता है जो इंडियन आर्ट को कनेक्ट करता है. तो ये जो एक ट्रेंड चलता है कि दो गुटों में बढ़ जाता है हमेशा हमारा जो ऑडियंस बढ़ जाती है, तो क्या लगता है कि इसको कनेक्ट करने के लिए क्या करना होगा? इनमें बहुत सी चीज़ें हैं. जब मैं 30 साल से एक बार मैंने शब्द बॉलीवुड नहीं लिखा है. क्यों? क्योंकि गलत है. इट इज टोटली रॉन्ग. बिकॉज इट इज लाइक मेकिंग इंडियन सिनेमा अ कॉलोनी ऑफ हॉलीवुड. इंडियन सिनेमा हैड वेरी लिटिल टू डू विद हॉलीवुड. इंडियन सिनेमा स्टार्टेड मच बिफोर. इट हैड अ हिस्ट्री एज डीप एंड एज लॉन्ग एज हॉलीवुड. And it was very different in its attitudes, in its forms, in its ideology, in its genres, in everything. But because it became a business and kisi ne bana diya term, and then suddenly it's easy. आपको लगता है कि copy किया गया है Hollywood से Bollywood term को थोड़ा सा? Copy is नाम जब लग जाता है. Look, you see, everyone plays this game. Yeah. You can see it in presidents. Great presidents of the world बुला देते हैं किसी को, ये ऐसा है, और वो नाम बैठ जाता है. और फिर कोई कोई ज्ञान के बिना, कोई नॉलेज के बिना, कोई हकीकत के बिना बोलता जाता है, बोलता जाता है, फिर वो चलता जाता है, चलता जाता है. सेम हियर. इंडियन सिनेमा इज अ वर्ल्ड इन इटसेल्फ. इट इज सो यूनिकली डिफरेंट. यस ऑफ कोर्स वी कॉपी, ऑफ कोर्स देयर इज इन्फ्लुएंस. कोई देश ऐसा नहीं है जो इन्फ्लुएंस के बिना. Why should you not have influence? But that doesn't make you a subset of another film industry. आपने लंदन में इतने साल तक रहे हैं, आप पढ़ाई की है, वहाँ पे इंडियन सिनेमा को लेकर वहाँ पे क्या impressions हैं, क्या image इंडियन सिनेमा की? देखिए, at the moment, the Indian outside of India has a very relatively superficial relationship. Yeah. They have deep love, all of us. We have deep, deep love for India. But the nature of the interaction is very, it's like any tourist, no? Aap jaoge desh mein, you can't vote, you can't live there. But there are so many, in our film festival, CineFan will be resurrected next year. Hopefully we will start seeing again the young great filmmakers. Achha, film festivals ki baat apne ki, film festivals jo bhi aajkal hote hain, bahut sare film festivals aa chuke hain with time. तो क्या लगता है इनके ये बढ़ावा देते हैं इंडियन सिनेमा को या फिर बस एक शोबिज का हिस्सा बनकर रह गया है? या सी मोस्ट फिल्म फेस्टिवल्स इन द वर्ल्ड आर स्ट्रगलिंग. दे आर चेंज इन द ओरिजिनल इंटेंशन. फिल्म फेस्टिवल जब पैदा हुआ था, इट वाज देयर आर मेनी इंटेंशंस, बट वन ऑफ द मेन इंटेंशन वाज टू गिव सपोर्ट टू यंग फिल्म मेकर्स हु वांटेड टू मेक इंडिपेंडेंट minded films where they may have difficulty in distribution, reaching out the mainstream, and therefore the film festival gave them a platform to be true to their creative spirits without compromising in the name of box office. Box office ka name ho gaya, ya fir abhi jitne film festivals ho rahe hain usme jo red carpet walks ho gayi hain wo bilkul ek mix ho gaya, kaafi mix ho gaya. Har cheez ke liye thoda sa to tamasha की जरूरत होती है. तो आपको लगता है कि जितने रेड कार्पेट वॉक से तमाशा है? Look, it's part of the glory. Without the glamour. Glamour. Also without glamour and celebrity, वो दिलचस्पी नहीं आती है लोगों में. So you have to find the balance.
ग्लैमर तो है, लेकिन मुझे और या फिर हम स्टोरीज बनाते हैं, सब कुछ कवर करते हैं जितने फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं, एंड ऑल्सो द रेड कारपेट लुक्स, तो पीपल है वो जितने, ये डोमिनेंस भी तो हो रहा है. आपने अभी बैलेंस की बात की, ग्लैमर के साथ हमें फिल्म मेकिंग को भी, इनको सबको बैलेंस करना होगा. लेकिन वो मुझे लगता है, या फिर जितने भी मैंने लोगों से और भी बात की, तो कहीं ना कहीं वो डोमिनेंस कर रहा है. एब्सोल्युटली, सी सेलिब्रिटी हैज डिस्ट्रॉयड सो मच ऑफ सिनेमैटिक कल्चर regarding the knowledge of cinema. But everything which is powerful in the world is a double-edged sword. Har cheez jisme achhai ho, usme kahin na kahin problems aati hai. There is nothing in this life. Kya cinema business hai? Dekhi, if it's not a business, it would not have been able to survive. But please understand this much, ki har 100 film jo bante hai, 5 jubli success hoti hai. The others don't make it, लेकिन फिर भी 110 साल से सिनेमा चल रहा है. Because that is because of a junoon. It's because of a deep love in the human spirit for making dynamic moving images with music, dance, action, philosophy, thought, visual power. That beauty is the recreating life in a new way. सक्सेस फिल्मों की आपने बात की कि बहुत सारी फिल्में सक्सेस होती हैं, तो आजकल ये भी हो गया है कि जितनी फिल्में सक्सेस नहीं हो रही उतनी उससे ज़्यादा सक्सेस पार्टी होती है फिल्मों की. तो ये क्या झूठ है कि आप दिखा रहे हो कि आपकी फिल्म बहुत सक्सेस कर रही है? देखिए, हर बंदा जो भी काम कर रहा है, थोड़ा सा ब्रावाडो और दिखावा रखना पड़ता है. क्योंकि आप जब आप शावर से निकलते हैं, तौलिया पहन के आते हो दुनिया में, कपड़े पहनते हो, ये भी आप बोल सकते हैं दिखावा है. आप नंगे क्यों नहीं सब आ जाते दुनिया में? सो सेम वे, जब वी आर गोइंग थ्रू फेलियर, वी आर गोइंग थ्रू डिफिकल्ट टाइम्स, पीपल हैव टू प्रटेंड अ बिट, वरना दुनिया कठोर है. दे फाउंस एंड दे डिस्ट्रॉय. सो पीपल हैव टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स. समटाइम्स जब भिखारी बन जाता है आदमी, पार्टी थ्रो करता है दिखाने के लिए. Now अच्छा. sometimes नियत गलत होती है. नियत गलत. जब नियत गलत होती है वो डिस्ट्रक्शन होएगा, लेकिन नियत साफ है कि मुझे बचाओ, मुझे चांस दो. मे बी बिकॉज दैट इज, सी इट्स नॉट सो सिंपल, सबको पता है. ऐसे आम आदमी के पास अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलते, तो वो क्या करे? इसलिए वो प्रिटेंड करता है. आप जाओगे समझो किसी से पैसा लेना हो, आप बोलोगे प्लीज मैं बिल्कुल हालत खराब है. द एटीट्यूड ऑफ द ह्यूमन बीइंग हैज चेंज्ड, सो यू हैव टू हैव सम लेयर्स. यू हैव टू. एंड आई डोंट, बहुत देख चुका हूँ मैंने बहुत से लोग देखे हुए, the richest people in the world, the poorest people in the world, har aadmi is in their own way trying their best. And it's easy to point fingers, easy to pass judgment. You don't want to live your life through other people's. aap apna kijiye na, aap, you be the best you can be. Meena Kumari ko lekar baat ho rahi hai ki inki biopic banne wali hai, to aapko lagta hai ki jo purane hamare film stars se unki biopic banti hai, to usse kya जो आज की ऑडियंस है कनेक्ट करती है और उनके बारे में जान पाती है, या फिर कुछ सिनेमैटिक लिबर्टी के हिसाब से थोड़ा सा चीजें बदल के पेश की जाती हैं? देखिए बाबू, हर चीज में थोड़ी सी तो लिबर्टी होगी, whether it's an autobiography or whether it's a biography. कौन सी एक्ट्रेस को पसंद करेंगे आप देखना मीना कुमारी के रोल में, क्योंकि आपके पास बहुत सारे फ्रेम्स हैं मीना कुमारी के, मुझे लगता है बहुत पसंद भी रही होंगी आपको. इतने उनके अलग अलग रोल है. आप कोहिनूर में देखो, वो स्टार्ट हुई थी जब 6 साल की बच्ची थी, बेबी में जान. ये देखो बिगी रात में देखो, हाउ, लेकिन वो भी इतनी दुखी आत्मा थी इन सो मेनी वेज, बट दैट इज पार्ट ऑफ लाइफ. एंड थ्रू हर सफरिंग शी इज बिकम अ सिनेमैटिक लेजेंड. नाउ वेदर दैट इज गुड बैड आई डोंट नो, बट द पॉइंट इज that she lived as much as she wanted to, and you know, it's she's a lesson for many young girls, women, feminists, that she lived her life in a certain way, and power to
every devdas is not only a man, no? The woman can also be a devdas. Yes. So that freedom to fail or to be sad or to lose hope should be given to every human being, just like to succeed and to be the best version of yourself. आपने हीरा मंडी देखी सीरीज? अभी तक टाइम नहीं मिला। अभी तो उसमें एक ऋचा चड्ढा का एक रोल है, तो उनको कहा गया कि ये शीज मतलब वो कर रही है रोल फीमेल देवदास का। अच्छा। उनका सीन है, बहुत ट्रोमा में जाती हैं, उनके साथ धोखा होता है। हाँ। तो आपने अभी जो बात कही कि एक फीमेल भी लीड कर सकती, मतलब देवदास हो सकती है, अंदर से खुल सकती है, वो सिनेमा का ही की खूबसूरती है शायद। बिल्कुल, और हकीकत की हकीकत की बिल्कुल। ओके, देखिए गंगा जमुना का ओरिजिनल पेंटिंग, लुक एट द इंटरनेशनल आर्ट। जब इंडियन सिनेमा दो बंदे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सत्यजीत रे एंड राज कपूर। सो सत्यजीत रे वॉज द फर्स्ट फिल्म डायरेक्टर हु टुक इंडियन सिनेमा टू द वर्ल्ड एज अ ग्रेट आर्ट फॉर्म, एंड पोथे पंचली ओपन्ड अप द होल हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा इन अ न्यू डायरेक्शन, एंड राज कपूर वॉज दिस ग्रेट एंटरटेनर who took the energy of what we call the mainstream cinema, the romance, the passion of a Avara, Chaso Bees, Jak Tera Ho, Mera Naam Joker, wo jo, this was made in Ukraine. This poster when Ukraine was part of Soviet Union. Okay. So when Mera Naam Joker was released, because Raj Kapoor was a superstar in the Soviet Union and East Germany and other Eastern European countries. So he's one of the few people who took his film successfully, apart from Satyajit Ray. And then now we got this new generation where we... Wow. New generation, you know, mein kone, kone concept see, dekhiye, history has to stop in 30 years. You can't include idly anything in the last 30 years is still not honest history. It's the contemporary, it's the moment. It kabhi bhi badal sakta hai. It's sustainability. Koi bhi artist 40 saal ke kaam ke baad artist khalaya jata hai. Audience ko ek message jo Indian history, culture, cinema ko samajhna chahte hain. Dekhiye, main ek hi cheez ab bolunga. Har jawab jo aap sochte ho jawab hai, wo khali एक डीपर क्वेश्चन है, डीपर सवाल है उसमें। हर जवाब को आप ऐसे ही समझो कि हम उसके पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि उससे हमें एक अच्छा सा सवाल नया निकलेगा, और फिर हम उस सवाल के पीछे भागेंगे और दूसरे जवाब से भागे, और ये प्रोसेस जो है कि हम कभी आंसर के ऊपर ज़्यादा भाव नहीं देते हैं, सक्सेस या फेलियर के ऊपर ज़्यादा भाव नहीं देते हैं, हम प्रोसेस में इतने दिलचस्प हो चुके हैं, इतनी हमारी सारे सोचने का तरीका है, वो प्रोसेस अलाउज अस टू फॉल इन लव विद मेनी थिंग्स। तो आपने आर्ट भी देख लिया और आर्टिस्ट को भी सुन लिया, मिल लिया इनसे। थैंक यू सो मच। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।